नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन साहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे अधिकतर लोग पीड़ित रहते हैं। हर आदमी को साल में 2 या 4 बार कमर दर्द की शिकायत होती ही है और अधिकतर महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे क्या क्या जो कॉमन कारण है कमर दर्द के, जिस कारण से कमर दर्द होता है और इससे कैसे बचा जाए और क्या इसका इलाज है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कमर दर्द का जो सबसे कॉमन कारण होता है वो है गलत ढंग से बैठना उठना, गलत ढंग से झुकना, लंबे समय तक बैठे रहना, मतलब ख़राब आदतें। दूसरा जो कारण होता है ट्रॉमा या चोट लगना, कभी जैसे कमर में चोट लग जाए, अचानक कहीं गिर जाए, तो इस कारण से भी कमर दर्द हो सकता है। महिलाओं में अधिकतर कमर दर्द होने का कारण जो होता है उसमें है मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड के समय अधिकतर कमर दर्द होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट तिमाही में, तीसरे चौथे महीने में कमर दर्द होता है। मेनोपॉज के बाद, यानी कि महिलाओं में जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, तो उस समय फिर एस्ट्रोजन का लेवल उनके शरीर में कम हो जाता है, इस वजह से जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, तो इस कारण से भी कमर दर्द होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसकि बच्चेदानी में भ्रूण ना होकर फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होने लगता है, तो उसके वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। PID या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, जैसे कि महिलाओं में सफ़ेद पानी आना, बच्चेदानी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना, तो या फिर गर्भाशय में किसी प्रकार की गांठ होना, इन सब कारणों से भी अधिकतर महिलाओं में कमर दर्द होता है। अगला जो कारण है वो होता है वात की वजह से, जिसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, या एक प्रकार का रीढ़ की हड्डी का वात होता है, जिसमें जो है हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, जो हमारा रीढ़ होता है, वो छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना होता है और हर दो हड्डी के बीच में गद्दानुमा संरचना होता है, जिसे डिस्क बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो उम्र के साथ साथ या बहुत ज़्यादा वजन के कारण से लंबे समय तक बैठे रहने वाले लोगों में जो डिस्क होता है उसमें किसी प्रकार की कमजोरी आ जाती है, किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, तो इस कारण से वहाँ की जो दो हड्डियों के बीच में गैप होता है वो कम हो जाता है और हड्डी जो है आपस में टच होने लगता है, तो इस कारण से भी कमर दर्द होता है। अगला जो कारण है वो है स्लिप डिस्क, यानी कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, जो अभी मैंने बताया कि दो वर्टिब्रा के बीच में एक गद्दानुमा संरचना होता है, तो वो डिस्क अपनी जगह से खिसक जाता है, तो इसके कारण से भी कमर दर्द होता है। अगला जो कारण है उसमें साइटिका के कारण से भी कमर दर्द होता है। कमर दर्द के साथ साथ साइटिका में जांग और पैरों तक भी दर्द हो सकता है। हमारे शरीर में एक लंबी नर्व होती है, सबसे लंबी नर्व या तंत्रिका, जो हमारे रीढ़ के हड्डी से जो निचला कमर है वहाँ से निकला हुआ होता है, तो किसी कारण से स्लिप डिस्क के वजह से या डिस्क हर्निया की वजह से या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जो हड्डी बढ़ने के कारण उस नर्व को वह टच करने लगता है या दबाने लगता है, तो इस कारण से साइटिका होता है, तो साइटिका की वजह से भी वहाँ पर दर्द होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजह से धीरे धीरे हड्डी कमज़ोर होने लगती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया या विटामिन D3 की कमी के कारण से होता है, इसके कारण से भी कमर दर्द होता है। किडनी की कुछ बीमारियां जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि किडनी में पानी भर जाना, या नेफ्रोटिक सिस्ट, या फिर रीनल कैलकुलस यानी कि पथरी, इन कारणों से भी कमर दर्द होता है।
कुछ कुछ केसों में बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें कमर दर्द का कारण हड्डी का टीबी भी होता है। कमर दर्द से बचने के लिए आप सही पोस्चर में बैठें। यदि आपको अगर झुकना है तो एकदम से डायरेक्ट नहीं झुकना है, पहले अपने घुटनों के पर बैठ जाएं, उसके बाद झुकें तो उससे कमर दर्द नहीं होगा। अचानक झटके से कोई भी वजन चीज़ नहीं उठाना है, जितना आप कैपेसिटी है वही उठाना है। महिलाएं जो मेनोपॉज जिनका हो जाता है, जिनका माहवारी आना बंद हो जाता है तो उसके पास कैल्शियम की कमी होने लगती है शरीर में, तो ऐसी महिलाएं कैल्शियम विथ विटामिन D3 वाला टेबलेट का सेवन करें। जो बुजुर्ग के व्यक्ति हैं तो उम्र के साथ साथ भी उनमें हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तो ऐसे लोग भी बीच बीच में कैल्शियम और विटामिन D3 का सेवन करें। जो कैल्शियम युक्त तो भोज्य पदार्थ हैं ऐसे चीज़ों का सेवन करें। अब आइए जानते हैं कमर दर्द के इलाज के बारे में। कमर दर्द का जो इलाज है या उसके कारण के हिसाब से होता है, लेकिन यदि सामान्य कारण हो जैसे मस्कुलर स्पाज्म हो या ट्रामा वगैरह की वजह से हो, या फिर जो गलत आदत की वजह से, गलत ढंग से बैठने उठने की वजह से कमर दर्द हो और अर्थराइटिस वगैरह के कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी अच्छी सी दर्द की दवाई जिसमें मसल्स रिलैक्सेशन दवाई मिला हुआ हो, जैसे कि डाइक्लोफेनिक सोडियम या साइक्लोफेनिक जिसमें क्लोरजोक्सजोन मिला हुआ हो, ऐसे टेबलेट को आप 5-7 दिन तक उपयोग करें। साथ में कैल्शियम की टेबलेट, इसकी सेलकार नाम से मेडिकल स्टोर में मिलता है, कैल्शियम एक्स नाम से मिलता है, उसको आप ले सकते हैं, दिन में एक बार या दो बार भी ले सकते हैं। साथ में कोई अच्छी सी मालिश करने की दवाई जैसे डाइक्लोफेनिक जेल आता है, ओवेडॉन नाम से आता है, डाइक्लोविन जेल नाम से आता है, डेलिनी नाम से आता है, तो ऐसे जेल का आप 2-3 बार मालिश कर सकते हैं। या फिर मालिश नहीं कर सकते तो कमर पर गर्म सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी की थैली या बॉटल से वहाँ पर दिन में 3-4 बार सिकाई करें। इन सब दवाइयों और इन सब उपायों से कमर दर्द से 5-7 दिन में छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन यदि 7 दिन के बाद भी आपको कमर दर्द बना रहे, बहुत दिनों तक यदि कमर दर्द बना रहे, तो आप अपने नज़दीक के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लें, एक्सरे MRI वगैरह कराएं, जिससे आपको सही कारण पता चल पाएगा और उस कारण के हिसाब से आप इलाज कराएं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।